Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, आज मैं आपको एक और नंबर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से नंबर इस नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं. वो नंबर है आज हमारे पास 4. हम चेक करेंगे कि कौन कौन से नंबर, कौन कौन से वैल्यूज़ 4 पर डिवाइड हो सकती हैं. अब सपोज हमारे सामने एक नंबर राइट है 224. हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये 4 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो कैसे चेक करेंगे, हमने इसकी यूनिट और टेंथ वैल्यू को देखना है. यूनिट और टेंथ वैल्यू पे क्या राइट है, 24. अब ये 24 अगर 4 के टेबल में है तो इट मींस कि 224 4 पे डिवाइड हो जाएगा. अब 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 24, इट मींस कि 224 को 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है. आइए चेक करते हैं 224 इसको 4 से डिवाइड करना है. 4 5 20, 2 रिमाइंडर 4 4 6 24. तो ये हमने देखा कि 224 एग्जैक्टली 4 पे डिवाइड हो जाता है. आइए एक और नंबर के बारे में देखते हैं 916. अब चेक करते हैं क्या ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं. इसका यूनिट और टेंथ वैल्यू क्या है, 16. 16 4 के टेबल में आता है, यस 16 4 के टेबल में आता है. तो इट मींस कि 916 को 4 पे डिवाइड किया जा सकता है. आइए चेक करते हैं 916 4 2 8 1 1 4 2 8 3 6 4 9 36. तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया 916 4 पर. तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 4 पर डिवाइड होता है या नहीं होता. तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ये अमेजिंग फैक्ट्स जानकर बहुत हैरान हो रहे होंगे और आपने हमारी बाकी वीडियोस भी अच्छे तरीके से शौक से उनको चेक किया होगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नंबर के बारे में मैं आपको बताऊँगा. थैंक यू.